हम आशीष कुमार सिंह यहाँ पे छठ व्रती में आए हैं। बेसिकली मैं तो लखनऊ से हूँ, मतलब मेरी पैदाइश लखनऊ की, बट हमारी फैमिली थी वहाँ से बिलोंग करती है बिहार। ये छठ की वेदी बनाई जा रही है, आप बनवा रहे हैं, इसकी क्या उपयोगिता और क्या महत्व है? तो बेसिकली छठ जो है वो बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, और मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान के सारे व्रत त्यौहारों में शायद सबसे कठिन त्यौहार होगा। इसमें जो लगातार 3 दिन का जो व्रत होता है, माताएँ रखती हैं अपने पुत्रों की सलामती के लिए, उस हिसाब से इसका काफ़ी महत्व है। इसमें साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, सारी चीज़ें बहुत सफाई के साथ की जाती हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जो आप वेदियाँ देख रहे हैं इनको वेदी बोलते हैं, तो ये बेसिकली इस तरीके से मूर्ति बनाई जाती है। और छठ के व्रत के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, शाम को जब यहाँ पे आके पूजा होती है, उसके बाद में अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद में जब अर्घ देने के साथ में पूजा करता हूँ, तो इस वेदी की काफ़ी महत्व है। एक तरीके से ये कह सकते हैं आप कि छठ माता की मूर्ति। अच्छा, ये इतनी ऊंची या किस साइज में, कैसे क्या है? ऐसा कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है कि मतलब किस साइज की होती है, ये भावनाओं का है। आदमी कई बार लोग बड़ी अच्छी मूर्ति बनाते हैं, और कई बार आप सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति बना के, सिर्फ एक छोटी सी मिट्टी मूर्ति बना के भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मूर्ति की ऊंचाई और उसकी भव्यता का कोई इससे लेना देना नहीं है, आपकी भावनाओं के हिसाब से। ये मूर्ति किस चीज़ से बनाई जाती है, कोई खास चीज़? नॉर्मली लोग अगर आप देखेंगे कुछ लोग सिर्फ मिट्टी की बनाते हैं, कुछ नॉर्मल स्टैंडर्ड जो आपका ईंटें की होती है उस हिसाब से बनाते हैं। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इस हिसाब से मूर्ति बनी, बट ये है कि थोड़ी सफाई की का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। जितने लोग होंगे उतनी ही मूर्तियाँ होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक मूर्ति पर कई परिवार एक साथ मिलकर पूजा कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर आदमी अपनी मूर्ति रखे।